2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। हिंदू राष्ट्र के लिए संत परामंश ने दिया एक और लतीफा, कहा रामलीला मैदान में करेंगे अनशन। नमस्कार, मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। कमान से निकला हुआ बाण और संत के मुख से निकला हुआ वचन कभी वापस नहीं हो सकता। यह बहुत पुरानी कहावत है जो कि आज फेल होती दिख रही है। थूक कर चाटना भी एक कहावत है जो आस पास होती दिख रही है। लगता है कि धर्मनिरपेक्ष भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले संत परामंश का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। जान जाए पर वचन न जाए, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहावत थी, लेकिन यहाँ इसका उल्टा देखने को मिला। वचन जाए पर जान न जाए, आज कुछ ऐसा हुआ, बाबा सटिया गए, इसे ऐसा भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि संत परामंश ने अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए एक और लतीफा दिया है। अपनी बात से मुकर कर अब 7 नवंबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों लोगों की मौजूदगी में वे हिंदू राष्ट्र के लिए अमर अनशन करेंगे। अयोध्या में 2 अक्टूबर के दिन सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक जबरदस्त सरगर्मी रही। सोशल मीडिया पर भी परामंश की जमकर खिल्लियाँ उड़ाई जा रही है, हो रही है मजाक। बता दें कि छावनी के संत परामंश की ओर से किए गए उस ऐलान को लेकर जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित ना हुआ तो सरयू नदी में जल समाधि ले लेंगे। संत परामंश के इसी ऐलान की वजह से 2 अक्टूबर को लगभग 12 घंटे तक जबरदस्त सरगर्मी रही। आखिरकार शाम 6 बजे संत परामंश ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 7 नवंबर 2023 से अमरण अनशन करने की घोषणा की और इसके बाद समाप्त हुई सुबह से चल रही सरगर्मी। गौरतलब है कि संत परामंश ने इससे पहले भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित न किए जाने पर अग्नि समाधि लेने का ऐलान किया था। संत परामंश की अग्नि समाधि के लिए तब चिता भी सजा दी गई थी, चिता पूजा भी हो गया था, लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन की सक्रियता के कारण संत परामंश को अपना निर्णय बदलना पड़ा था। संत परामंश ने इसके बाद 2 अक्टूबर 2021 तक हिंदू राष्ट्र घोषित न होने की स्थिति में दोपहर 12 बजे सरयू नदी में जल समाधि लेने का ऐलान किया था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके, अपनी दी हुई जुबान से पलट गए। अब परामंश ने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों लोगों की मौजूदगी में वे हिंदू राष्ट्र के लिए अमरण अनशन शुरू करेंगे और 2024 में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदूवादी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों के निवेदन पर हमने जल समाधि लेने का निर्णय त्याग किया है। हम सभी मिलकर प्रयास करें और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। बहरहाल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए परामंश की ओर से इस तरह की घोषणाएं पहले भी की जाती रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स परामर्श की जमकर चुटकियां ले रहे हैं, जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। आज भी परामंश की जमकर मजाक बन रही है। आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए बहुजन हलचल। जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।